हेलो फ्रेंड, आप सब लोग को जोहारी नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? आई होप यार आप सब लोग सही सलामत है। मैं मेरी गॉड के पास दुआ करती हूँ एंड बिलीव भी करती हूँ मेरी सारी YT फैमिली, मेरी फ्रेंड लोग सही सलामत है। वो लोग का जो भी प्रॉब्लम है गॉड वो लोग को हेल्प करे, सही राह पे लेकर जाए, ये भी मैं दुआ करती हूँ एंड बिलीव करती हूँ। दूसरे के लिए दूसरी किसी का दुआ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरी से बहुत बड़ा गलती हो गई है और मैं भी खुद को कुछ अलग टाइप फील्स की हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और आज मैं चल पड़ी कुछ काम के लिए बाहर। काम के मतलब ऐसे मैं एक दिन मार्केट गई थी तो कोई भाई ने मुझे बताया था एक गांव में एक वोमेंस को, एक औरत को कैंसर है, उसका बहुत प्रॉब्लम है, उसको कुछ हेल्प करो दीदी। और उसका कोई भी नहीं ऐसे कुछ बताया था तो उसको मिलने के लिए ऑलरेडी मैं जा रही थी। थोड़ा बहुत लेट में गई, मुझे कुछ बीच में अलग अलग काम मिला तो इसलिए मैं जा नहीं पाई, लेट में गई। लेकिन बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत सार लगा, अच्छा नहीं लगा। बीच में मैं पूछ के जा रही थी तो बीच में ही मुझे कोई बताया और वो दीदी और दुनिया में नहीं है, वो चली गई है, ट्रीटमेंट के नहीं हुआ, पेशा का कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे सब कुछ बताने के बाद मुझे बहुत दुख लगा, बहुत छाड़ हुई। फिर मैंने घर वापस आई और क्योंकि मैं ऐसे किसका फैमिली में कोई ऑफ हुआ है, मतलब नहीं है दुनिया में, वो फैमिली लोग के साथ कैसे मिलना है, बातचीत करना, उसी लेवल से प्रिपेयर है कि मैं नहीं गई थी क्योंकि वो लोग का सब अच्छा है इसीलिए। और मैं बस उसको कुछ अलग टाइप में गई थी, मैंने उसको लेकर आऊँगी, थोड़ा हॉस्पिटल लेके जाऊँगी बातचीत करके। और कुछ कलेक्टर का पास जाना है कि BDO का पास जाना है, वो सब मैं सोच के गई थी। लेकिन कुछ हेल्प करने के लिए भी गई थी, लेकिन बच्चा लोग है और उसका मम्मी नहीं है तो मुझे जाके वो लोग को पैसा देने से बदले कुछ सामान देना भी अच्छा रहेगा, ऐसे सोच के मैं फिर वापस नहीं गई आई। और एक दिन मैंने ऐसे ही मेरे गांव का इवनिंग टाइम मार्केट है, छोटा सा मार्केट, कुछ वेजिटेबल लेने के लिए गई थी। उसी टाइम एक वेजिटेबल जो वेजिटेबल बिकता है ना, वो भाई ने मुझे बताया था और तो मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत लेट का बाद मैंने गई, बीच में कुछ काम मिला, बहुत मतलब बहुत शार्ड हुई, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊंगी, वो लोग बच्चा लोग के साथ मिलूंगी, उसका हस्बैंड के साथ मिलूंगी, वो वीडियो मैंने आप लोग को शेयर करूँगी। और दुआ कर दीजिए वो फैमिली के लिए, आप भी और मैं भी दुआ करती हूँ। क्योंकि हम किसी का ना देखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान का नाम लेकर हम दुआ करते हैं तो दुनिया का सब इंसान को ब्लेसिंग मिलता है। और इसलिए हम दूसरे के लिए कुछ दे नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दुआ करना है, वो बात सही रहेगा। और मैं भी वो सोच के जा रही थी लेकिन हो नहीं पाई, क्या करूँ, मुझे बहुत बुरा लगा, अभी भी बुरा लग रही है मुझे वो चीज सुन के। महिला ना होती माता दिगाल, स्वामी ना होती जादव दिगाल, से कैंसर से पीड़ित निहाती गरीब लोक आते जमी बाड़ी की घर दुआर बोला दूसरे ना भंगा घर गोटे अच्छे सरकारी पाई इंदिराबाद घर टे अच्छी ना तार सरकारी तरफ हो बेसरकारी तरफ हो और ये वो भैया था जो मुझे भेजा था उधर जाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मेरी किस्मत ही कुछ अलग था। ये गांव का लोग सब कैसे पत्ते से खली बना रही थी, मैंने बस थोड़ा देखी क्या कर ली। एंड टेक केयर ऑल माई फ्रेंड, अभी समर टाइम है, आप खुद का भी ध्यान रखो, ख्याल रखो,
जहाँ भी जाते हैं पानी लेकर जाना, छतरी लेकर जाना और पानी का बोतल, क्योंकि अभी समर टाइम ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का और धूप से भी खुद को बचने का, क्योंकि आजकल जब जितना भी साल बढ़ रही है ना उतना बीमार बढ़ रही है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और आज की वीडियो कैसे था प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ दे। जो लोग भी मेरी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब, जो भी न्यू फ्रेंड लोग है प्लीज़ सपोर्ट करना। और आज की वीडियो कैसे लगा आप लोग को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स में भी बताओगे। प्लीज़ प्लीज़ बिना आप लोग का सपोर्ट से कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊँगी। एंड टेक केयर ऑल माय फ्रेंड, कमेंट्स में बताओगे आज की वीडियो कैसे था। एंड जय कंधमाल, जय उड़ीसा, आप सब लोग को जोहारी।